धोखे में पड़े हुए, कहते हैं हुकूमतों ने हुकूमत बदल दो हमारे हालात ठीक हो जाएंगे। फिर वो हुकूमत बदलते हैं, फिर कहते हैं ये हुकूमत भी नहीं ठीक, इसको भी बदलो, महंगाई हो गई, ये हो गया, फुलाओ, कुछ नहीं है। हुकूमतों के बदलने से मसाइल हल नहीं होते, परेशानियां नहीं जाती। आज सारी दुनिया के लोग परेशान हैं, छोटी हुकूमतों वाले, बड़ी वाले, थोड़े माल वाले, बड़े माल वाले, छोटे असबाब, थोड़े असबाब वाले, बड़े, सब परेशान हैं। मगरबी कौमें जिनको ये मशरकी कौमों वाले तरक्की याफ्ता समझते हैं, वो तो खुदकुशियां कर करके मर रहे। हर हर बाजार में पागल खाना है, नींद की गोलियां खा के सोते हैं, परेशान है, परेशान है, परेशान है। कुत्तों से दिल बहलाते हैं, कुत्तों से। हरेक के पास कुत्ता है, औरत के पास कुत्ता है, मर्द के पास कुत्ता है, परेशान है, नंबर एक। नंबर दो, वो परेशानियों से निकलना भी चाहते हैं। परेशानी तो ऐसी चीज है नहीं कि बंदा कहे कि मुझे परेशानी रहना चाहिए, परेशानी से तो आदमी निकलना चाहता है। ये दो बातें तो मुत्तफ़क़ुन अलैह हैं, सब जानते हैं कि सारी दुनिया परेशान है और सब जानते हैं कि निकलना चाहते हैं। इसके आगे तीन चीजें हैं, वो ध्यान से सुननी, वो भी। ये नहीं जानते कि ये परेशानियां कहां से आ रही हैं। नंबर दो, ये नहीं जानते कि ये परेशानियां क्यों आ रही हैं। नंबर तीन, ये नहीं जानते कि इन परेशानियों से निकलने का रास्ता क्या है। इन तीन बातों के अंदर आम लोग धोखा खाए। कोई कहता है परेशानियां अमेरिका से आ रही, ऐसी तैसी अमेरिका की, सारी दुनिया के आदमी किसी को एक जर्रा बराबर नुकसान नहीं पहुंचा सकते, हम हदीस सुना चुके, सारी दुनिया वाले जर्रा बराबर नफा नहीं पहुंचा सकते, हम हदीस सुना चुके, कुछ नहीं है। कोई कहता है यहूदियों से आ रही है, कोई कहता है हिंदुओं से, सिखों से आ रही है, कोई किसी को, कोई किसी को, कुछ नहीं है। परेशानियां अल्लाह पाक से आ रही है, मिन जानी बिल्ला। नंबर दो, क्यों आ रही है? बुरे आमाल ऊपर जाते हैं, उनके नतीजे में परेशानियां नीचे आती हैं। बुरे आमाल इस वजह से परेशानियां आती हैं। देखो अल्लाह पाक कुरान में कहता है, अला लअनतुल्लाहि अलज़्ज़ालिमीन, ज़ालिमों पर अल्लाह की लानत होती है। जब हमने आसमानों पर जुल्म को भेजना है तो आसमानों से लानत नीचे आनी है। ये कुरान पाक की आयत है। इसी तरह झूठों पर भी लानत आती है, फनजा लानत अल्लाही अलल काज़िबीन, हमने आसमानों पे झूठ भेजना है, आसमानों से लानत आनी है। जुल्म भेजना है, आसमानों से फैसला आएगा। वकज़ालिका नुवल्ली बाज़ ज़ालिमीन बाज़म बिमा कानू यक्सिबून, हम जालिमों के ऊपर जालिम हाकिमों को मुसल्लत करते रहते हैं, उनके बुरे आमाल की वजह से। ये जालिम हाकिम आसमानों से फैसले होते हैं, मिन जानिबिल्ला फैसले होते हैं, ये बंदे जुल्म कर रहे हैं, इनके ऊपर जालिम हाकिम लाया जाए। ये कुरान है, आठवां पारा। हम मुसल्लत करते हैं जालिमों को, उनके बुरे आमाल की वजह से करते हैं। सूद खाना आम हो गया तो अल्लाह का सूद खारों के साथ ऐलाने जंग है। فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, अल्लाह और उसके रसूल के साथ ऐलाने जंग है। अल्लाह पाक इंसानी शक्ल में आके मुकाबले में आके जंग नहीं लड़ेगा,
हाँ उसके और तरीके हैं, वो आसमानों से अजाब भेजेगा, तरह तरह के अजाब भेजेगा, मुसीबतें भेजेगा, फसाद ऊपर गया, फसाद, फसाद वाले अल्लाह इनसे मोहब्बत नहीं करता। परेशानियां बुरे आमाल की वजह से आती हैं। हुकूमतों का बदल देना परेशानियों का हल नहीं है, चाहे एक मरतबा कह के यकीन बना लो, चाहे 70,000 मरतबा कह लो, परेशानियों का हल हुकूमत बदलना नहीं, आमाल बदलना हल है। जब आसमानों पे अच्छे आमाल जाएंगे, लोग मस्जिदों में आके तालीम के हलके, जिक्र के हलके इनमें बैठेंगे, उन पर रहमत आएगी। आ रहा था अजाब जुल्म की वजह से लानत, इन्होंने अमल बदला, अब ऊपर से आ गई रहमत। नज़लत अलैहिमुस सकीना ग़शियतहुमुर रहमा हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व ज़करहुमुल्लाहु फ़ीमन इंदा। ये हल है अच्छे आमाल, सबर ऊपर जाएगा, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह साथ हो जाएगा, तकवा ऊपर जाएगा, ये मुत्तकी बनेंगे, तकवा इख्तियार करेंगे, इन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, नेक आमाल इख्तियार करेंगे, इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन। ये कुरान पढ़ा जा रहा है, हदीसें सुनाई जा रही हैं, मैं अपनी अकल के घोड़े नहीं दौड़ा रहा हूँ, और आपसे भी गुजारिश है हम अपनी अकल के घोड़े ना दौड़ाएं कि फलां जगह से मुसीबत आ गई, ये फलाने ने ऐसा कर दिया, फलाने ने कुछ नहीं है, अपने आमाल की वजह से हमने खुद किया है जो किया।